जो हेलोजन आइटम्स हैं, चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो अगर वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं कहां पर लगे कहाबन आइटम्स तो तो एल्फा ओमेगा ओमेगा हेलो एल्स फर्स्ट थिंग आर दीज आर दीज टू देखो यहाँ पर यह हमारे पास एल्केन है और इसके टर्मिनल यानी अगर यहाँ पर पे ब्रोमो लगा हुआ है, तो एग्जाम्पल ऑफ एल्फा ओमेगा पर पर देखो, ये दोनों टर्मिनल कार्बन है और यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है कोई हेलोजन लगा हुआ है तो अगेन दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्फा ओमेगा डा हेलो तो अगर यहाँ से अगर हम ये हेलोजिन जो लगे हुए हैं इनको रिमूव करते हैं यानी इनका डी

अगर हम इसको जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अगर हम इसको जिंक के साथ इसको ट्रीट कराएं और हीट करते हैं अगर हम इसको हीटिंग करें विद जिंक तो वॉट अपन देखो यहाँ जो जिंक है वो क्या करेगा ये ब्रोमीन दोनों ब्रोमीन और ये जिंक जो क्या है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो फाइनली ये क्या है दो, दोनों जो कार्बन सी एस टू और सी एस टू है ये क्या हो जाएंगे दे विल यहाँ पर रिंग क्लोजर हो जाएगा तो वी गेट दिस साइक्लोप्रोपेन रिंग और यहाँ से जो जेड एन बी आर टू यहाँ से निकल जाएगा तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है जहां पर हमने क्या किया है हमने यहाँ से इसके जो हेलोजन है उनको रिमूव कर रहे हैं यूजिंग द जिंक एंड बाय हीटिंग तो बाई से जो निकलने के बाद जो हेलोजन निकलने के बाद एक रिंग क्लोजर होगा एंड वी गैट द साइक्लो एल्केन तो यहाँ पर हमारे को अगर वन थ्री डाइब्रोमो प्रोपेन ले रहे हैं तो क्या मिला हमारे को यहां हमारे को मिला है दैट इज साइक्लो

16 से ज्यादा कोई भी डायहेलो एल्किन्स लेते हैं मतलब जो हमारा पास अल्फा ओमेगा है डायहेलो एल्किन्स इन व्हिच द टू हैलोजन एटम्स आर फार अपाउट देन द 16 पोजीशन यानी अगर वो 17 या 18 के ऊपर है तो यहाँ पर कोई भी रिंग कंपाउंड नहीं बनता है तो इसकी एक ये एक लिमिटेशन हो गई है कि इसके जो यील्ड आती है वो ज्यादातर दैट इज मेनली फॉर द साइक्लोप्रोपीन रिंग उसकी और, और अटैच करते जाएंगे यानी वन सिक्स तक तो इट विल गिव द साइक्लो एल्किन रिंग लेकिन अगर वन सेवन ऑनवर्ड्स अगर हम चलेंगे तो वहां पर रिंग कंपाउंड नहीं मिलेंगे और वी गेट सम

डाय कार्बिक एसिड चाहिए उसका सॉल्ट चाहिए होगा या तो वो कैल्शियम के साथ हो वो या वो बेरियम के साथ कोई एग्जाम्पल यहाँ पर यह कैल्शियम तो यहाँ पर देखो तो ये जो कैल्शियम है वो उसने सॉल्ट बना रखा है एडिपिक एसिड से तो नाउ इट इज कैल्शियम एडिपेट इज देयर सो 575 केल्विन जब हम इसको इतनी हीटिंग करेंगे

एक और बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक कार्बन कम बने मिलेगा यहाँ पर देखो यहाँ पर सिक्स कार्बन थे और यहाँ पर ड्यू टू तो इट तो इज अ पायरोलाइसिस तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें एक कार्बन कम मिलेगा सो वी आर यूजिंग द कैल्सियम आइडिपेट एंड वी आर गेटिंग द साइक्लो फर्स्ट थिंग एंड अनदर थिंग कि यहाँ पर दिस मैथड इज वेरी गुड फॉर फाइव टू सिक्स मेंबरिंग यहाँ पर टू मेंबर अगर रिंग है तो उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है अकॉर्डिंग टू ब्लैंक रूल और लेकिन उसके हायर या उससे कम वाला जहां पर जो मेंबर हो साइकिल रिंग के अंदर अगर वो फाइव और सिक्स नहीं है या उससे कम है या उससे ज्यादा है दन दिस रिएक्शन इज नॉट गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्किन